नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट इंडिया से अब्रॉड स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट यूक्रेन से ट्रांसफ़र लिया है रशिया के लिए, या फिर वो किसी अनदर कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको क्या इंपॉर्टेंट सामान लेके जाना है। बहुत सी चीज़ होती है जो यहाँ पर अब्रॉड में कॉस्टली है और वो इंडिया में सस्ता मिलता है, तो वहाँ से इंडिया से आपको लेके आना है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चों का बहुत ही क्वेश्चन रहता है कि सर कौन सी सिम वहाँ चलती है, एप्रॉन कैसा चलेगा, स्टेथोस्कोप कौन सा लूँ, बुक लूँ, या फिर सर टैब लेना है या लैपटॉप लेना है, या सर फिर कौन से बैंक में अकाउंट होना चाहिए फ़ोटो लेके, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम के बारे में, आपको कौन सी सिम लेके आनी है। तो जो स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी के लिए आना चाहते हैं, तो उनसे मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास जियो की सिम है तो अपनी जियो की सिम को या तो एयरटेल में पोर्ट करवा लीजिए या फिर वीआई में कन्वर्ट करवा लीजिए। यहाँ पर एयरटेल और वीआई, वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज होके वीआई हुआ है, तो उसकी आप वोडाफोन की आप सिम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जियो के नेटवर्क नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब हम सेकेंड बात करेंगे एप्रॉन को लेके। एप्रॉन आप फुल स्लीव्स की लेके आएंगे। जो फुल स्लीव्स रहती है, फुल स्लीव्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एप्रॉन है ये फुल स्लीव्स की और लॉन्ग एप्रॉन होनी चाहिए, हाफ एप्रॉन नहीं। हमारे जो प्रोफेसर है वो बोलते हैं क्या ये नर्स वाली एप्रॉन पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नर्सों वाली आपको नहीं पहन के आनी है। बहुत से स्टूडेंट हाफ स्लीव वाली लेके आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी लेके नहीं आना है, ठीक है ना। व्हाइट एप्रॉन होनी चाहिए, लॉन्ग एप्रॉन होनी चाहिए, फुल स्लीव वाली एप्रॉन होनी चाहिए, और आपको एक व्हाइट कैप यहाँ पर कंपलसरी है। आप मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो व्हाइट कैप कंपलसरी है, तो व्हाइट कैप होनी चाहिए। इसके साथ स्क्रब्स, मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आपको स्क्रब्स आपको ज़रूरत है। और वो उसका कलर है या तो वो डार्क ब्लू कलर का हो या फिर वो नेवी ब्लू कलर का हो, जो लाइट ब्लू रहता है उस कलर का हो, उसमें भी आपके पास कैप होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको एप्रॉन के बारे में मैंने बता दिया। थर्ड नंबर पे आता है स्टेथोस्कोप। आपको स्टेथोस्कोप कैसा लेके आना है, देखिए आप नॉर्मल स्टेथोस्कोप आता है 400-500 रुपये का, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई हैवी स्टेथोस्कोप की नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट थी महाराष्ट्र से, वो बोल रही थी सर क्या मैं लिटमैन का स्टेथो ले लूँ। मैंने कहा भाई आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है यहाँ पे इतने हैवी स्टेथोस्कोप का, कोई चोरी कर लेगा तो आपका 20-25 हज़ार का चूना लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल एक स्टेथो लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब बुक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में आपको लाइब्रेरी से जो बुक होती हैं वो इशू करवानी होती हैं, ठीक है। बुक का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आप यहाँ से बुक इशू करा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी इंटरनेशनल बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोई हैवी बुक कैरी करके नहीं लेके आए, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी में सभी बुक्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाती हैं। क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप बुक इतनी मोटी मोटी रहती हैं और उनका इतना ज़्यादा वजन हो जाता है, इतना ज़्यादा वेटेज हो जाता है, वेट हो जाता है उनका, कि आप फिर सामान क्या लेके आ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप आजकल तो भाई ऑनलाइन ज़माना है, आपको हर एक की पीडीएफ मिल जाएगी, आप जो भी बुक पढ़ना चाहेंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ बुक को कैरी मत करके लेके आए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लेके आना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, नॉट माई चॉइस, ओके। बुक के साथ अब हम आपसे बात करते हैं टैब के बारे में। आपको टैबलेट लेके आनी है, टैब समझ रहे हैं ना, वो गोली वाले टैबलेट नहीं, टैब लेके आनी है, या फिर आपको लैपटॉप लेके आना है, आपको किसकी नीड है। तो देखिए अगर आप दोनों हैं आपके पास तो लेके आइए, अच्छा है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि टैब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो प्रीप्लेडर हो, चाहे वो मैरो हो, चाहे वो आपका ई गुरुकुल हो, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो वो टैब में चलते हैं, ठीक है। टैब होना चाहिए, और टैब की ही आवश्यकता होती है, उसी की नीड होती है, आपको लैपटॉप की ज़्यादा नीड ही नहीं होती है। तो आप एक टैब लेके आइए, अगर लैपटॉप है तो ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि लैपटॉप मत ही लेके आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, कौन सी बैंक में अकाउंट हो, कौन सा कार्ड लेके आए, क्योंकि वॉर की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे कार्ड सभी बंद चल रहे हैं। मतलब आपका वो इंटरनेशनल कार्ड, कोई भी, चाहे आपका रुपए कार्ड हो, चाहे वो आपका आपका मास्टर कार्ड हो, चाहे आपका फॉरेक्स कार्ड हो, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो, जितने भी कार्ड हैं वो अभी इस टाइम पे यहाँ रशिया में सेंसन लगा हुआ, जिसकी वजह से सभी बंद हैं। तो अब क्या करें, क्या करें, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो मैं एक आपसे सबसे पहले यही बात बोलूंगा कि आप, आपका जो बैंक में अकाउंट है वो आप एक गवर्नमेंट बैंक में आप अकाउंट खुलवाइए, ठीक है ना। SBI हो सकती है, वो आपकी इंडियन बैंक हो सकती है, आपकी वो PNB हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप SBM हो सकती है, ठीक है ना, न्यू ग्लोबल कार्ड जो आपके एक्टिवेट होते हैं, जिन पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है, तो आप ये लीजिए। और यहाँ पे जो मार्कअप फीस होती है वो इन बैंक की बहुत कम है। अगर आप प्राइवेट बैंक के आप कोई लेते हैं, ICICI हो गया, HDFC हो गया, और भी बहुत सारी बैंक्स हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी पुतिन जी ने बोला है, चाचा जी हैं पुतिन, इन्होंने बोला है कि जो रुपये कार्ड है, रुपये कार्ड रशिया में चलेगा और रशिया का जो मीर कार्ड है वो इंडिया में भी चलेगा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि रुपए जो इंटरनेशनल कार्ड है वो आप लोग एक्टिवेट करवा लीजिए, वो आपने बैंक से ले लीजिए और आप रुपए कार्ड लेके आइए, तो हो सकता है अभी 6-7 महीने में यहाँ पे चलने लगे, क्योंकि पुतिन ने बोल दिया है, ठीक है ना। आप लोगों के पास, जिस भी बैंक का आपके पास कार्ड है, आप जो भी बैंक में आपका अकाउंट है यूज़ करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग आने से पहले नेट बैंकिंग ज़रूर स्टार्ट करवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपकी सिम कार्ड जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो फिर OTP नहीं आ पाती या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आने से पहले नेट बैंकिंग ज़रूर स्टार्ट करके आए, ठीक है ना, तो जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बैंक की बात हो गई, अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह से आपको अभी वॉर सिचुएशन में कैसे आप यहाँ पे रुपए निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, वो आप एक हमारे दूसरे वीडियो में देखिए। अब भी सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या है, आपको फ़ोटोज़ हैं, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको 35 से 40 फ़ोटो लेके आनी है, चाहे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर वो ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा, अगर आप 3 फ़ोटो क्लिक करवाने जाते हैं तो 100 रूबल लग जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर फ़ोटो का बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और इंडिया में तो भाई 15 से 20 रुपये में शायद 15-20 फ़ोटो दे देते हैं, ठीक है ना। तो आप कम से कम 35 से 40 फ़ोटो लेके आइए, ठीक है, और अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और फिर से एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार कर दो, आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय। Wow.